Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. दिल्ली में शहीद भगत सिंह एक इतना बड़ा संस्था है जो जिसकी डेथ हो जाती है वो फ्री में उसका काम क्रिया करते हैं, और वैसे दिल्ली में एक आरिफ खान थे जो शहीद भगत सिंह सेवा दल में एक ड्राइवर के रूप में काम करते थे। वो कोरोना का पेशेंट उठाते उठाते उनको खुद को कोरोना हो गया और वो दो दिन पहले डेथ कर गए। आज मैं उनके परिवार से मिलूंगा और बात करूंगा कि कैसे हुआ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदिल है। आदिल जी, बताइए आपके पापा का कैसे डेथ हुआ? मेरे पापा जितेंद्र सिंह संटी जी के पास काम करते थे, काफ़ी टाइम शहीद भगत सिंह सेवा दल काफ़ी टाइम से जॉब करते, बाद 33 साल से अंकल के पास काम कर रहे हैं। अब पापा के कोरोना के टाइम पे भी पापा घर पे आना बंद कर दिया, कह रहे नहीं मुझे वहीं अच्छा लगता है। हमने कहा आज, और कह रहे नहीं यही सही है, अंकल के साथ लगे रहते हैं। हमने चलो कोई बात नहीं बताया पापा ने सब, बस दो तीन दिन से तबीयत इतनी ख़राब हुई, तीन दिन अंदर पापा हमें छोड़ के चले गए। मम्मी ने रात में मुझे ये बात बताई, मैंने पापा क्यों नहीं आते थे, मम्मी ने ये बात बताई कि पापा इसलिए नहीं आते थे कहीं तुम ऐसा ना हो, तुम मेरे उसमें आ जाओ पापा, क्योंकि एक दफ़ा अंकल भी कोरोना के उसमें आ गए थे अंकल जी, इसलिए पापा ने नहीं आते थे। अब बताया मम्मी ने कल ये बात थी जो इसलिए नहीं आते थे। मम्मी पूरी रात हो गई रोते रोते, तबीयत ख़राब हो रही है सबके घर में। मम्मी की अब ठीक हो गई, सुबह तबीयत ख़राब हो रही थी, रात में अब सही है बस। वो कितना दिन से यहाँ घर पर नहीं आते थे? घर पर पापा जब से कोरोना का चल रहा था शुरू टाइम से, मतलब कोरोना टाइम जब से हुआ है 21 मार्च से ही नहीं आए पापा जी, आते थे फ़ोन पर बात हो जाती थी बस। आप क्या करते हैं? मैं एसी फ्रिज का काम करता हूँ, वो भी काम अब बंद हो गया, वो चलते ही नहीं है, वैसे ही है बस बेरोजगारी। भाई की भी नौकरी 8 महीने से भाई बैठा हुआ, उनकी एक आँख ख़राब है जी। कितने भाई कितने बहन हो? दो भाई दो बहन है। अच्छा, आरिफ खान जी तो पूरा कोरोना में बहुत सारे मरीजों को ले गए, लेकर आए, पूरा दिल्ली में हेल्प किए वो, और अब उनका डेथ हो गया, उनके डेथ में आप लोगों को हेल्प करने कोई आया? कोई भी नहीं आया, बस संटी जी आए हैं बस, अब हमें विश्वास दिया। कल भी आए थे, रोज़ जब फ़ोन करो जब आ जाते हैं हमारे पास, साथ खड़े हैं हमारे साथ, यही कहते बस तुम जब फ़ोन करो जब मैं आ जाऊँगा। रात पापा को भी उस दिन देखने आए पापा, मैंने फ़ोन करा कि बुला लो एक दफ़ा अंकल को, फ़ोन करी बात कराई, अंकल फ़ौरन आ गए, एम्बुलेंस भी भेज दी, ऑक्सीजन भी भेजा पापा के लिए। रात में 12:30 बज रहे थे, अंकल से बात हुई, फ़ौरन अंकल ने कहा ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाओ, रखा सब कुछ दिया, कभी कुछ चीज़ ना नहीं करी अंकल ने पापा के, साथ ही रहते थे। कितना एज होगा आपके पापा का? पापा की मेरी कम से 55 साल थी, 55-56 के उसमें थे पापा। आप उनकी बेटी हैं जी? कैसे हुआ आपका पापा का बताइए? बस ये तबीयत ख़राब हो गई थी, बस सेवा में लगे रहते थे, वैसे भी लॉकडाउन कोरोना सब जितेंद्र सिंह के अंकल के पास रहते थे, बस हमें बस यही था कि शुरू से रहें तो अब भी वहीं रहेंगे, तो अब शुरू से वहीं रहें, काम वही काम, ये अच्छा काम है सब कुछ। हम बोलते थे कि हम सुनते थे कि कोरोना है सारा, हम बोलते थे अपने पापा से, जब भी हमारे पापा नहीं माने, कह रहे फ़ोन पर बात होएगी, मैं मिल आऊँगा, मैं भाई आएगा, हम आते थे जिस दिन जब घर पर आते हैं तो बस तो देख जाएंगे सुबह शाम तक, ठीक है अब सब ये मैं जा रहा हूँ, ऐसे करके चले जाते, घर पे नहीं रुकना था उनका, बस हम लोग यही तो कहते, रुकते तो हमारे पास रहते तो मिल लगते, बिल्कुल नहीं रुके हमारे पास, काम में काम। आप दिल्ली गवर्नमेंट से आप क्या हेल्प चाहती हैं? बस यही हमारे भाइयों को कुछ कर दें, काम जॉब वगैरह कुछ, बस यही चाहते हैं। अब तो हमारा कुछ क्या सोचे क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में नहीं आ रहा, बस ये भाइयों का हो जाए जॉब। आप उनके बड़े बेटा हैं? चले गए पापा छोड़ के। आप बताइए क्या? 35 साल से लगे हुए हैं संटी जी के साथ सेवा में लगे हुए, आज सेवा करते करते खुद भी चले गए कोरोना उसमें। संटी जी आप बताइए, आपके पास 35 साल से नौकरी करते थे, एक क्या मतलब, एक कैसे अचानक जिनको कोविड पॉजिटिव हो गया? देखिए अचानक नहीं हुआ, इससे पहले मेरे को हुआ, मेरे बेटों को हुआ, मेरी मिसिस को, और 4 लोगों को 8 लोगों को पहले हो चुका, हम लोगों 21 में से 8 को। और 30 तारीख तक ये बिल्कुल ठीक थे, मेरे साथ ही रहते थे अक्सर, गाड़ी में साथ आना जाना मेरे साथ ही रहता था, जिस एम्बुलेंस में मैं जाता था उसी में रखता था इनको, क्योंकि वफादार थे। और मैं इनको नौकरी भी नहीं बोलूँगा क्योंकि ये भाइयों से बढ़ के थे मेरे लिए, 35 साल का समय परिवार का बहुत बड़ा समय होता है, और इनका सेवा भाव से बहुत नाता था, कभी इन्होंने ये नहीं देखा कि ये हिंदू की मौत हुई है या मुसलमान की हुई है, ये हर किसी को साथ लेके जाने के लिए, दफनाने के लिए, जलाने के लिए तैयार रहते थे, पेशेंट के लिए भी तैयार रहते थे। मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को
सैल्यूट करना चाहिए जो इस कोरोना काल में जब अपने भी अपनों की मौत पे हाथ नहीं लगा रहे थे, और हमारे वॉरियर शहीद भगत सिंह सेवादल के जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने अपने हाथों से लाशों को उठा के जलाया। 90 लाशें हमने ऐसी भी जलाई हैं जिनके परिवार वाले नहीं आए जी, टोटल 493 में से 90 ऐसे भी थे जिनके जलाने वाले ही नहीं आए, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने भी कई जगह स्टोरी किया सूरत में, बहुत सारे फैमिली के जिसमें कोरोना हो जाता है वो बॉडी को ही छोड़ के भाग जाते थे, वो 19 ऐसे भी थे हमारे पास, 19 बॉडी यहाँ पर भी ऐसे लोग छोड़े। ये जो 90 में बता रहा हूँ आपको, ये वो थे जिनके घर वाले क्वारंटाइन थे, आ नहीं सकते थे, एक मजबूरी थी, लेकिन 19 डेड बॉडी ऐसी भी हमको मिली है जिनको घर वाले हमारे को अंडरटेकिंग दे के चले गए छोड़ के। वो कहने लगे शंटी जी आप कर देना, शहीद भगत सिंह सेवादल करेगा। तो उसमें फिर मैं, आरिफ खान मेरे ड्राइवर हैं, जितेंद्र, बलदेव, आनंद, राजू, हम सारे मिलके जिंदा वीर जी हम यही काम करते हैं सर, हमारा काम लाशों को उठाना ही है। और अभी तक हम तकरीबन 623 पेशेंट पॉजिटिव उनको घर से कोरोना सेंटर और कोरोना सेंटर से घर भी लाए, और 493 लाशों का हमने जो दाह संस्कार और दफनाने का सेवा लिया है, उसी में करते करते आज हमारा एक भाई आरिफ खान हमारे से जुदा हो गया है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारे। आप इनकी फैमिली के लिए क्या कर रहे हैं? हम जो भी करेंगे मुझे लगता है कम है वो, उनका वापस आना बहुत मुश्किल है। आज एक शुरुआत की है हमने, और आज पहली किस्त में ही हमारे जो चीफ पैटर्न है MM पाल सिंह गोल्डी जी, उन्होंने 51,000 रुपये भेजा है, 21,000 रुपये हमारे एक दिनेश अरोड़ा जी ने भेजा है। ऐसे करते करते जो मैक्सिमम बन पड़ेगा वो मुझे लगता है जो मैं सोच रहा हूँ उससे कहीं गुना ज़्यादा करूँगा मैं। और देश विदेश से भी मैं लोगों को, अपने दोस्तों को फ़ोन कर रहा हूँ कि हमारे इस परिवार के लिए, क्योंकि इनकी मौत अपने लिए नहीं हुई है। वो कहते हैं ना कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए, तो ये जमाने के लिए गए हैं, इसलिए जमाने का भी फ़र्ज बनता है कि इस परिवार की हम मदद करें। एक किराए के छोटे से मकान में रहने वाला परिवार, लेकिन उस परिवार ने देश के लिए कोरोना में जो न्यौछावरता की है उसका हम कदर करें, और उसका कर्जा नहीं उतार सकते। मैंने भी पूरा ऑल इंडिया में शूट किया था कोरोना में, मैंने कई जगह देखा, बॉम्बे में, सूरत में, कई जगह देखा। डॉक्टर लोग बेचारे को भी पॉजिटिव से डेथ कर गए, उनकी फैमिली आज किसी को पैसा नहीं मिलता है, किसी का बच्चा पढ़ रहा है उसकी पढ़ाई छूट गई है, मैंने देखा है बहुत सारे। आज मुझे दिल्ली में ये मिल गए जो कि आरिफ जी का डेथ हो गया है, और उनकी फैमिली मेरा है, ये लोग सामने मैंने बात कर लिया है। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, कोई ये बीमारी बहुत खतरनाक है, और सबको ये ऐसा करना पड़ेगा, अपने आप को बचाव करना पड़ेगा। और इस परिवार को आज नौकरी की बहुत ज़रूरत है जी, बच्चे बच्चियां सब वेले बैठे हैं, इसलिए हमारे MM पाल सिंह गोल्डी जी ने एक शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करता हूँ और उसको तुरंत प्रभाव से मतलब ये कल से चाहे तो कल से नौकरी पर जा सकता है, ताकि इस परिवार को एक सहारा मिले। तो शहीद भगत सिंह सेवादल की पहली पहल ये भी है कि हमारे चीफ पैटर्न MM पाल सिंह गोल्डी जी ने एक आदमी को नौकरी देने का भी आज ही वादा कर दिया है, और साथ में 51,000 रुपये भी भेजा है। ये शहीद भगत सिंह के जो मेमोरियल है, इनके एक फैमिली को नौकरी भी ये दे रहे हैं, देखते हैं आगे क्या इनकी फैमिली कैसे चलती है। फिर से हम मिलेंगे इनसे, कभी बात करेंगे। मदन लाल, मोजो स्टोरी के लिए।